सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरिया जिले के गोदरीपारा के एकता नगर में एक मामला सामने आया है, जहां एक 3 वर्ष के मासूम बच्चे को बेरहमी से सुलुचना हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने 3 वर्ष की मासूम को इस तरह पीटा कि उसके चेहरे पर निशान, उसके पीठ में निशान आ गए। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार घटना 30 तारीख की बतलाई जा रही है, जहां बालक के अभिभावकों का कहना है कि हर रोज की तरह स्कूल के टाइम पर बच्चे को हमारे द्वारा स्कूल में छोड़ दिया जाता है और ठीक स्कूल के छुट्टी के समय 2 बजे उसे घर वापस लाने के लिए हम लोग जाते हैं। घटना के दिन जब बच्चे के अभिभावक ने स्कूल बच्चे लेने के लिए गए तो वहां देखे कि उसका बच्चा चोटिल नजर आ रहा है। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल में उपस्थित टीचर से पूछा कि यह चोट मेरे बच्चे को कैसे चेहरे पर लग गया है, तो टीचर ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि अभी सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं और स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं है, आप सोमवार को आएंगे तब पता चलेगा। देखा जाए तो यह मामला निजी हाई स्कूल का है और स्कूल के परिसर में इस तरीके की घटना किसी मासूम बच्चे के साथ हुआ है, यह बहुत शर्मनाक घटना है। आपको बता दें कि बच्चे के अभिभावकों ने तत्काल चिरमिरी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं थानेदार का कहना है कि पीटने वाला लड़का आवश्यक है, तो यह पूरा मामला किशोर न्याय कोर्ट का है, इस पर जांच करके किशोर न्याय बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे और आगे की कार्रवाई चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सुलोचना हाई स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वहां इस तरीके से छोटे से मासूम बच्चे के साथ जो घटना घटी उससे बच्चों के अभिभावकों पर क्या असर पड़ेगा, और सुलोचना हाई स्कूल में यह घटना घटित हुआ है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है जो हम आप पर छोड़ते हैं। कोरिया से राजू खान की रिपोर्ट। मेरा नाम नितेश कुमार बघेल है, मैं आजाद नगर गोदरीपारा चिरमिरी का रहने वाला हूँ। ये घटना है 30 तारीख की घटना है, जो कि मेरे बच्चे को मारा गया है, 10वीं क्लास का जो प्रिंसिपल का एक बेटा है 10वीं क्लास का, और मेरे बेटे को KG 1 के बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। सुलोचना शिशु मंदिर में मेरा बच्चा पढ़ता है, वहाँ 10वीं का लड़का मारा है। बच्चा आपका कौन से क्लास में पढ़ता है? KG 1 में पढ़ता है सर। किसके द्वारा मारा गया? प्रिंसिपल के बेटे जो 10वीं पढ़ता है उसके द्वारा। कहाँ कहाँ बच्चे को चोट आया ये बताइए। उनके मुंह से खून निकल रहा था सर, ऐसा लग रहा था किसी वजनदार चीज से मारा गया है। गाल का, गाल में 5-6 झपड़ का निशान है और पीछे कमर में ऐसा पूरा लग खून जमा हुआ है, पूरा कमर में ऐसा लग रहा है कि किसी डंडा से वार किया गया है। आप इसका शिकायत प्रिंसिपल को किए थे? इसका शिकायत प्रिंसिपल को किए थे। क्या बोले प्रिंसिपल जी? प्रिंसिपल जी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं मारे हैं, हम शनिवार को गए थे, हम शनिवार को बोले कि शनिवार को सब बच्चे चले गए हैं, जब आप सोमवार को आएंगे तो सभी बच्चे से हम पूछेंगे कि कौन किसको मारा है। फिर आपके जो बच्चे को मारा है वो बच्चा पहचानता है उस लड़के को? मेरा बच्चा पहचानता है उसको, उसी ने बताया है। फिर इसके बाद जब इसकी घटना की सूचना आपको मिली है ना, तो आप फिर उसके बाद क्या किए आप? उसके बाद मैं थाना गया, थाना में गया, मैं टीए साहब के पास गया। टीए साहब ने उस बच्चे को बुलाया, टीचर को बुलाया, उनको ही बुलाया, उनके पिता के और बच्चे को, और टीए साहब के सामने मेरे बच्चे ने बताया कि यही मेरे को मारा है। उसके बाद 2 लड़का और खड़ा किया टीए साहब कि देख लो इनमें से कोई मारा है क्या, तो उस बच्चे ने कहा नहीं मारा है, मुझे इसी ने मारा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 23 साहब ने 10 मिनट हम लोग को ब्रेक दिए, 15 मिनट बाद अपने को अंदर केबिन में बुलाए, बोले कि पिता उस लड़के का, बोले कि उनके पिताजी आए हैं, ये आप लोग से माफ़ी मांग रहे हैं, आप उनको माफ़ कर दीजिए, बच्चा नाबालिग है, बच्चे को भी माफ़ कर दीजिए। प्राप्त हुई थी कि एक 12 वर्षीय बालक के द्वारा जो है एक साथ में पढ़ने वाले बच्चे के साथ में मारपीट की गई है, क्योंकि वो मामला जो है वो अवयस्क बालक से संबंधित है। उस प्रकरण में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार डॉक्टरी परीक्षण करा के और प्रकरण को
को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है और वो प्रक्रिया जो है वो चल रही है।